जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे उम्मीद करता हूं आप सब बहुत तंदुरुस्त होंगे और अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में आए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड दिसंबर को ठीक है तो हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं तो पहला आर्टिकल है लॉलेस इन मुंबई दोस्तों ये आर्टिकल लिखा है जूलियो रिबेरो ने ये फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं महाराष्ट्र के और ये फॉर्मर डीजीपी भी रह चुके हैं पंजाब के खास करके जो टेररिज्म के डेज थे जो ब्लैक डेज थे पंजाब में तो उस टाइम पे इंसर्जेंसी के टाइम पे उन्होंने पंजाब में भी डीजीपी की कमांड संभाली थी सो so, अब इन्होंने इस आर्टिकल में जो सिचुएशन मुंबई में अनफोल्ड कर रही है आफ्टर द परमबीर सिंह कॉन्ट्रोवर्सी देखिए बहुत एक इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग दैट एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डीजीपी जी परमवीर सिंह वो अभी भगौड़े थे अब स्कॉन्ड कर रहे थे तो वो जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी uh, जिसमें सचिन वाजे जो कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं उन्होंने जो एक ब्लैक uh, एसयूवी कार जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर प्लांट करी थी और उसमें से फिर जलेटिन स्टिक्स पाए गए थे एंड देन दिस कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्टेड ऑन मोर एंड मोर जो डी थे परमवीर सिंह Uh, जो महाराष्ट्र के डीजीपी uh, जो uh, जो मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर थे उन्होंने फिर ये भी खुलासा किया कि कैसे महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख वो कैसे ऑफिसर्स को हर महीने सौ डेढ़ सौ करोड़ इकट्ठा करने को कहते थे क्लब्स में से बार्स में से रेस्टोरेंट्स में से तो ये सब कॉन्ट्रोवर्सी आई ऑब्वियसली मुंबई पुलिस की जो इमेज है दैट टुक तो अ बिग बिग हिटिंग नाउ सिविल सर्विसेज की बात करें ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है जो एथिक्स से रिलेटेड है देखिए जूलियो जूलियर जो है फॉर्मर एक आईपीएस ऑफिसर है डीजीपी की रैंक तक वो जा चुके हैं तो और उनका बहुत एक्सपीरियंस भी है तो अब ऑब्वियसली उन्होंने इस आर्टिकल में बहुत अच्छी बातें करी हैं जो एज़ पर मी एथिक्स के अगर हमारा कॉम्पोनेंट जो है जी uh, का उसमें काफ़ी रेलिवेंट है ये आर्टिकल तो अब सिविल सर्विसेज की बात करें सिविल सर्विसेज का जो सपना था सिविल सर्विस एज अ स्टील फ्रेम ऑफ द नेशन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको सिविल सर्विसेज का जो ढांचा एज अ स्टील फ्रेम ऑफ द नेशन बनाया था तो आज ये कहाँ पे है ठीक तो है तो चाहे आई है चाहे आई है तो आज ये सिविल सर्विसेज का जो हमारा जो स्टील फ्रेम है दैट इज़ क्लियरली नॉट द वन विच वॉज एनवाइेज बाय आर फाउंडिंग फादर्स और शालवी से बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है तो बहुत शर्म की बात है दैट इतने बड़े रैंक के ऑफिसर परमवीर सिंह चलो अब उनका पता लग चुका है अब ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनके उनके अगेंस्ट बट काफी समय से वो एब्सकॉन्ड कर रहे थे भागे हुए थे तो ऑब्वियसली इट्स यू नो लाइक लाइक अ क्रिमिनल अब पुलिस का जो हेड है अगर वही एज अ क्रिमिनल भागा हुआ है तो इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग ठीक है पोस्ट इंडिपेंडेंस आई एंड आई पी फॉर द बेनिफिट ऑफ इम ऑनेस्ट एंड नॉन पोलिटिकल बॉडी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ठीक है यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं आई एस हैं आईपीएस ऑफिसर्स हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी को बनती है वो सिविल सर्वेंट्स हैं लोगों की सेवा करने के लिए ठीक है बट आमतौर पर हम क्या देख रहे हैं सेवा तो ये सारे के सारे जो चाहे पुलिस चलो सारे तो नहीं आई से सारे के सारे बट मोस्टली आज के टाइम में जो न्यूज में केसेस आते हैं तो आई ऑफिसर्स हो आईपीएस ऑफिसर्स हो ये समाज की सेवा करने के बजाय मंत्रियों की सेवा कर रहे हैं ताकि इनको अच्छी पोजीशंस मिल सके इनको अच्छी पोस्टिंग्स मिल सके एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है ऐसा कभी नहीं सोचा गया था इंडिपेंडेंस के टाइम पे कि इस तरह की लालच इस तरह का ग्रीड पॉलिटिशियंस में या सिविल सर्वेंट्स में आएगा ऐसा ऑब्वियसली सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें नेहरू जी की बात करें बी आर अंबेडकर की बात करें उन्होंने ये सब नहीं सोचा था कि आने वाले समय में कुछ ऐसा भी टाइम आएगा जब इतना ग्रीड ऑफ पावर हंगर ऑफ पावर शो करेंगे चाहे सिविल सर्वेंट्स हैं चाहे पोलिटिकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ना वेयर हैज द ब्यूरोसी फेल्ड सर्टनली ब्यूरोसीज फील्ड यादव सो वेयर हैज इट फेल्ड so over time this quest for power not the quest of power not only by the civil servants but also by the elected representatives okay so the need of political parties for money and muscle to retain or acquire power governance ki baat kare uh, shasan ki baat kare so governance deteriorated steadily faster in some states than in others now the number of officers both in is and ips who have fallen a prey to this temptation you know, who have been uh, seduced by this temptation of more power, of getting more rich. Now, that has been steadily rising over the last many years. ठीक है अब ये जो ट्रेंड है पॉलिटिकल पेट्रोनेज का यानी कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की सेवा करना उनको फेवर करना अपनी पोस्टिंग्स बनाए रखना कोई कहता है कि मेरे को एसएसपी एस डिस्ट्रिक्ट का बनना है किसी को डीजीपी बनना है स्टेट का किसी को एसएचओ बनना है किसी को डीसी बनना है पर्टिकुलर स्टेट का हर किसी की अपनी अपनी फेवरेट पोस्टिंग्स होती हैं हर किसी के अपने फेवरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि हम कहते हैं उसको खुडे लाइन डिपार्टमेंट्स के वहां पर ज्यादा काम नहीं होता ठीक है अब देखिए आप तो एक सिविल सर्वेंट है आपको जो तनख्वाह मिलती है वो आपने आपको ऑब्वियसली यू हैव टू यू नो अगर आपने इंटेग्रिटी

सो अगेंस्ट द रेकमेंडेडेड अगेंस्ट द रेकमेंडेड पोजीशन ऑफ रिक्रूटमेंट अगर जैसे मान लीजिए कि अगर अगर वहां की जो स्टेट पुलिस सर्विसेज़ में या स्टेट एग्जीक्यूटिव सर्विसेज़ में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं भी है वैकेंसीज की तभी भी स्टेट्स में देखा जाता है कि इलेक्शन से पहले बहुत सारी वैकेंसीज निकाल दी जाती हैं ठीक है सो अगेन दिस इज ऑब्वियसली अनदर रीजन ऑफ पॉलिटिकल पेट्रोनेज तो जो इलेक्टेड एम एल हैं उनको होता है कि हम अपने आदमियों को अपने लोगों को जगह जगह पर फिट कर दें किसी को एस लगा दिया किसी को डीएसपी लगा दिया तो ये सब इज नॉट वट वॉज एनवाइज वेन वी गॉट इंडिपेंडेंस ठीक है सिविल सर्विसेज इस तरह से होगी ये हमने नहीं सोचा था पॉलिटिकल पेट्रोनेज की बात करें सो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट वील्ड्स द पावर टू अपॉइंट एंड ट्रांसफर ठीक है सो so, अब ऑब्वियसली अभी अब ऑब्वियसली ये तो सीएम के हाथ में होता है अगर हम स्टेट्स की बात करें मोस्टली जो चीफ मिनिस्टर है वो होम जो होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है वो भी संभालता है स्टेट की होम मिनिस्ट्री का ठीक है तो वो ही इज द वेरी मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द स्टेट तो किसको डीजीपी लगाना है किसको आई लगाना है जोन का किसको डी लगाना है किसको रिमूव करना है किसको किसी और डिपार्टमेंट में डालना है तो ये सब ऑब्वियसली पोलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के हाथ में होता है तो पावर उसके हाथ में है अब पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट की नज़रों के सामने अच्छा बनने के लिए तो चाहे आई हो चाहे आई हो चाहे स्टेट पुलिस सर्विस का ऑफिसर हो उसको ऑब्वियसली अगर अपनी पोजीशन रिटेन करनी है अगर उसको अपनी फेवरेट पोजीशन रिटेन करनी है तो वो हमेशा डेस्परेटली ट्राई करता है कि भी मैं अपना अपने चीफ मिनिस्टर का होम मिनिस्टर का ब्लू आइट बॉय बने रहूं ठीक है तो ऑब्वियसली ये फिर रेस लगी रहती है कि मेरे को अच्छी पोस्टिंग मिलेगी और कई बार ये जो रेस होती है और डिलीबरेट इस करके होती है बिकॉज देखिए जो ऑफिसर्स जो अगर एक होम मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने अपनी स्टेट में किसी को लगाया है तो वो भी ये चाहेगा कि यार मैं लंबे समय के लिए यहाँ पे बैठा रहा चाहे मैं एसएसपी के तौर पे चाहे मैं डीजीपी के तौर पे ठीक है चाहे मैं डीसी के तौर पे वट एवर इट इज तो वो भी ये कोशिश करेगा कि कैसे जो पावर है वो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के पास में रहे और कैसे उसका जो इलेक्ट होने का चांस है वो भी ज्यादा हो सके ठीक है अब ये देखिए बहुत स्ट्रॉग वर्डिंग यहां पर यूज करी गई है नान बाय ना ना जूलियो रिबेरो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखिए ऑब्वियसली आइडलिस्टिक बातें हैं ठीक है बहुत मुश्किल है आइडलिज्म में रहना ठीक है प्रैक्टिकलिटी कुछ और होती है लेकिन आइडलिस्टिक बातें पढ़ने में अच्छी लगती हैं बट बहुत स्ट्रॉग वर्ड्स में उन्होंने लिखा दैट दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ ब्यूरोक्रैट्स जिन्होंने अपनी आत्मा बेच के अपना जमीर बेच के अपना जमीर का व्यापार करके ऐसी अपॉर्चुनिटीज का अवेल किया जो कि उनके सर्विस को नहीं सूट करता जो कि उनके सर्विसेज के चार्टर के बिल्कुल अगेंस्ट है ठीक है इट इज़ तो ये ये कहते हैं दैट दिस इज

चाहे जो भी चीफ मिनिस्टर है जो भी होम मिनिस्टर है किसी भी स्टेट का तो पोलिटिकल स्टेब्लिशमेंट अगर इस इसमें जिम्मेवार है तो वाई आर दे आर द फर्स्ट को मेकिंग सच अपॉइंटमेंट्स ऑफ दोज ऑफिसर्स जिनकी इंटेग्रिटी नहीं है जो इंटेग्रिटी जो बिल्कुल अपनी जमीर बेच के अपनी आत्मा बेच के कुछ भी करने को तैयार है तो दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज इन सिविल सर्विस की जो अकाउंटेबिलिटी uh, है वो जनता के प्रति है वो uh, जो सिविल सर्विसेज है सो दे हैव टू सर्व द पीपल राइट नॉट द पोलिटिकल मास्टर्स तो यहां पर फर्स्ट गो उन ऐसे लोगों को ऐसे ऑफिसर्स को इस पोजिशन पर बिठाना ही क्यों चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो चाहे वो डीजीपी हो चाहे वो आई जी हो चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो वाई बट यू नो दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट चलिए अगला आर्टिकल द डेमोग्राफिक ट्विस्ट ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया अब आप जानते ही हैं कि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो फेज़ फाइव उसकी रिपोर्ट्स आई हैं उसकी फाइंडिंग्स आई हैं बहुत अच्छी बात है कि हमारा फर्टिलिटी रेट थोड़ा कम हो गया है टू पॉइंट टू से टू पॉइंट जीरो हो गया है तो टू हो गया है ठीक है सो दैट इज़ अ गुड थिंग बिग अचीवमेंट इतने हम दो हमारे दो इतने सारे जो जो uh, सरकार की जो योजनाएं थी प्रोग्राम्स थी फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज थी वो अब लग रहा है कि बहुत यू नो उसका एक हमको बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि हमारा फर्टिलिटी रेट कम हो गया है कहाँ नाइनटीन नाइनटी की बात करें तो तीन बच्चे चार बच्चे होना एक फैमिली में नॉर्मल एक नॉर्म होता था सो इट्स अ गुड थिंग चलो अब ऑब्वियसली हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है ठीक है तो ऑब्वियसली हमको आबादी तो कंट्रोल करना पड़ेगा आफ्टर ऑल वी आर वेरी पॉपुलस नेशन ऑफ वन फिफ्टी करोड़ ठीक है हमने ये भी देखा है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये भी दिखाता है कि जैसे चाइना की बात करें उन्होंने बहुत लंबे अरसे से वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई हुई थी मेंटेन करी हुई थी अब ये भी देख रहे हैं कि चाइना अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी से अब टू और थ्री चाइल्ड इंकरेज कर रहे हैं ठीक है नाउ गुड थिंग दैट रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज अ सिग्निफिकेंट माइल स्टोन इन इंडियाज डेमोग्राफिक हिस्ट्री सो वेरी गुड और ऐसी इंटरेस्टिंग बात पाई गई दैट कुछ स्टेट्स की अगर हम बात करें खास करके अगर हम साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें केरल की बात करें तमिलनाडु की बात करें तो वहां का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो वन टू वन पॉइंट एट है यानी कि बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ द टोटल फर्टिलिटी रेट और दिस इज सिमिलर टू अ कंट्री लाइक स्वीडन ठीक है और इंटरेस्टिंग बात यह भी है जैसे यूपी बिहार की बात करें तो यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान देखिए यहां से बहुत, यहां पे यूथ बहुत है ठीक है हम अगर एक एवरेज मीडियम एज की भी बात करें इंडिया में सो एवरेज मीडियम एज ऑफ एन इंडियन सिटीजन इज 28 टू 29 इयर्स ओल्ड ना और ये जो स्टेट्स हैं जो ये बीमारू स्टेट्स भी हैं गरीब स्टेट्स भी हैं गरीब राज्य भी हैं यहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंट है और यहाँ के जो यूथ हैं यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वही नौकरी की तलाश में अमीर स्टेट्स में जाते हैं अमीर स्टेट्स कौन सी गुजरात हो गया महाराष्ट्र हो गया केरल हो गया तमिलनाडु हो गया है ना बैग कर्नाटका हो गया तो ये थोड़े अमीर राज्य आ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा माइग्रेंट लेबर फोर्स भी आता है काम करने के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूपी का भी टोटल फर्टिलिटी टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ डिक्लाइंड टू पॉइंट सेवन टू टू पॉइंट फोर और बिहार का भी जो है डिक्लाइन देखने को मिला है ठीक है सो गुड थिंग वेरी गुड थिंग अब चैलेंजेस क्या अब ये तो सब अच्छी बात है जो हमारे ओल्डर पॉपुलेशन है जो एल्डर पॉपुलेशन है उनकी जनसंख्या और बढ़ जाएगी ठीक है कि अभी तो चलो अभी तो हमारे पास बहुत रिच डेमोग्राफिक डिपिटेंट अभी हमारा जो एवरेज एक इंडियन सिटीजन है अठाईस का लेकिन बीस तीस साल के, के बाद फिर बूढ़े ज्यादा हो जाएंगे तो बूढ़े का ख्याल रखने के लिए अगर नौजवान नहीं लोग नहीं होंगे तो फिर ऑब्वियसली वी विल हैव अ चैलेंज इन द डेमोग्राफिक डिविडेंड विच वी इंजॉय एट नाउ प्रेजेंटली बट थिंग्स माइट नॉट बी द सेम आफ्टर ट्वेंटी थर्टी ईयर्स अकॉर्डिंग टू नेशनल नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर दैन एज सिक्सटी वॉज अराउंड नाइन परसेंट फॉर इंडिया एज अ होल इन टू थाउजेंड इलेवन एंड Uh, the proportion of population greater than the age of 60 in a state like kerala or tamil nadu was around 13% and 10.4% respectively okay so which means that 13% close to 13% of the population in kerala is above 60 uh, years of age नाउ दिस इज़ अ चैलेंज बिकॉज ऑब्वियसली अगर ऐसे बढ़ता रहा बिकॉज लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू की साधर्न स्टेट्स जो है हमारी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है बहुत कम पाया गया है ठीक है एज कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज 1.6 1.7 पाया गया है ठीक है अब यो साधर्न स्टेट्स हैं ये बहुत प्रॉस्प्रस स्टेट्स हैं बहुत अमीर राज्य हैं लिट्रेसी रेशो की बात करें हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करें तो ऑल इज़ वेरी गुड ओवर हयर इनला केरला कर्नाटका आंध्रा तमिलनाडु सो ऑल थिंग ऑल दीज थिंग्स आर गुड ओवर हेर ऑल्सो ये जो रिच प्रोस्परस स्टेट्स हैं यहां पर बहुत सारा माइग्रेंट लेबर आता है वो कहाँ से आता है सो दिस माइग्रेंट लेबर द सेमी स्किल्ड लेबर कम्स फ्रॉम द फ्रॉम द नदन एंड द ईस्टर्न स्टेट पर्टिकुलरली बिहार यूपी एंड ओडिशा नाउ पोलिटिकल इन इक्वालिटी अमंग स्टेट्स की बात करें ना एजिंग स्टेट इंक्रीजिंगली राय ऑन ए वर्क फोर्स जो कि गरीब राज्यों में से आता है यूपी, एमपी, बिहार राजस्थान की बात करें और यहाँ पे जैसे मैंने बोला डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी रही है कि जो राज्य जो अपने पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है उनको रिवॉर्ड किया जाता है और जिन राज्यों का टोटल फर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है फॉर एग्जांपल यूपी और बिहार की बात करें इंप्रूवमेंट है बट कंप्लीट टू टी यूपी और बिहार में नहीं हुआ है हो सकता है आज से दस पंद्रह साल बाद वहां पर भी टोटल फर्टिलिटी रेट टू हो जाएगा जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं एजुकेटेड हो रहे हैं ठीक है उतना वो फैमिलीज भी कम प्लान कर रहे हैं वैसे भी महंगाई का ज़माना है आज के टाइम पे ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ वेरी लार्ज सस्टेन अ वेरी लार्ज फैमिली नेवर द बट ये जो इंसेंटिव है कि अमीर राज्यों को इंसेंटिव ज्यादा मिल रहे हैं और गरीब राज्यों को इंसेंटिव कम मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टी एफ आर ये एक डिस्करेजिंग बात है बिकॉज लेट इज नॉट फो गेट ये जो गरीब राज्य है यहां पर जो जनसंख्या है जवानों की बहुत बहुत ज्यादा है ठीक है सो द फिंथ फाइनेंस कमीशन यूज सेंसस डेटा अब चलो अभी इस बार का तो सेंसस कामिक के चलते नहीं हुआ अच्छी बात अगर जल्दी होगा इस बात को लेके भी हमने बहुत आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं सेंसस को लेके तो जो सेंसस जो है 2011 का वो उस उस डेटा के हिसाब से जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन है दैट हैज ऑल्सो एडेड द क्राइटेरिया ऑफ डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस सो रिवॉर्डिंग द स्टेट्स विद लोअर टी सो so, जो केरला तमिलनाडु है ना महाराष्ट्र गुजरात तो इन स्टेट्स का लोअर टी एफ आर है अब इनको रिवॉर्ड मिलेगा यानी इनको इंसेंटिव मिलेगा इनको और ग्रांट्स मिलेगा लेकिन जो गरीब राज्य हैं तो ये तो उनको पनिशमेंट की बात हुई ना यानी कि इंस्टेंट ऑफ़ यू आर गिविंग रिवॉर्ड्स टू दो स्टेट्स जो कि ऑलरेडी बहुत प्रॉस्परस है और जो गरीब राज्य हैं जो प्रॉस्परस नहीं है जहां पे आहिस्ता आहिस्ता से अभी थोड़ा टी एफ आर कम हो रहा है तो ये यार्डस्टेक के थ्रू आप उनको तो पनिश कर रहे हैं तो दिस क्रिएट्स इनइक्वालिटी अमंग स्टेट्स ठीक है तो यूपी बिहार को सिर्फ ये मद्देनज़र से अगर देखा जाए कि जी यूपी में से 80 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जाते हैं ठीक है बिहार में से इतने नंबर ऑफ़ मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जाते हैं तो सिर्फ वोट बैंक्स के लिए वहां पे यूपी बिहार में कैंपेन किया जाता है इलेक्शंस के टाइम पे बट वो कितने गरीब राज्य हैं अगर वहां से अस्सी अगर वहां से अस्सी पैंतीस चालीस अगर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स जा रहे हैं तो फिर सरकार की जिम्मेवारी उन राज्यों के प्रति भी और ज़्यादा बढ़ती है वट इज अ वे फॉरवर्ड ठीक है अब क्या हम चाइना का पाथ फॉलो करना चाहेंगे आज के टाइम पे चाइना में जवान कम है और बूढ़े लोग ज्यादा हैं ठीक है तो ट्राइंग टू एम फॉर अ वेरी लो फर्टिलिटी अग मिस्टेक है तो फाइन यहां तक सस्टेन कर पाए तो विल बी वेरी गुड टू से नीचे जाएंगे तो आगने वाले टाइम पर हमारे देश में अब सिक्सटी की जो पॉपुलेशन है जो सिक्सटी ईयर्स एंड अब की पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी और जवान लोग कम होंगे हमारी कंट्री में बताल रातों रात ऐसा हो जाएगा बट मे बी ट्वेंटी 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 फाइव ईयर के बाद ठीक है इंक्रीज बर्डन ऑफ केयरिंग फॉर द एल्डरली मे बिकम ओवरवेलमिंग फॉर द लॉन्ग टर्म तो अगर जवान लोग कम होंगे तो बूढ़े लोग ज्यादा होंगे तो उनका उनका ख्याल कौन रखेगा हु विल लुक आफ्टर देम बुढ़ापे में हर किसी को कुई ना कुछ तो चाहिए ना ख्याल रखने के लिए ठीक है तो हु विल टेक केयर आफ्टर देम उनके हेल्थ इशूज हैं सीनियर सिटीजन अगर एल्डरली की बात करें हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं ठीक है सो हु विल टेक केयर ऑफ दैम सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन विच इज इन फ्रंट ऑफ अस दैट वी सर्टनली डोंट वॉन्ट टू फॉलो द पाथ विच चाइना चाइना ने तो आज अपना पाथ रिवर्स कर दिया चाइना ने तो अभी 2016 हजार में ये अनाउंस किया दैट लुक बहुत हुआ एक एक बच्चा अब हम एक से ज्यादा बच्चे अब चाइना में ये जो सरकार है वो पेरेंट्स को इंकरेज कर रहे हैं कि आप एक से ज्यादा बच्चा करिए तो वी वुड सडली नॉट वॉन्ट टू फॉलो द चाइनीज बाथ चलिए अगला आर्टिकल अगेन रिटन बाय सो आर्टिकल इज हु शुड बी पुलिस नाउ दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल अगेन रिटन बाई के दारूवाला इज ऑल्सो फॉर्मर आई पी ऑफिसर ये आर एन में भी काम कर चुके हैं नाउ वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर नाउ व्हाट डज ही राइट Now, अभी पीछे आईपीएस प्रोबेशनर्स जो हैं उनकी जो पासिंग आउट परेड थी वहां पे अजीत डोवाल ने कुछ उनको बुलाया गया था अजीत डोवाल को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर अजीत डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं राइट उन्होंने कुछ बातें कही थी उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे कुछ सुझाव दिए थे जो जो यंगस्टर्स हैं जो आई प्रोबेशनर्स हैं जिनकी पासिंग आउट परेड थी अब उसमें से कुछ बातें जो कही हैं चलो सारी बातें तो मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं है बट एक ऐसी बात है जो थोड़ी कंट्रोवर्सी में आई थी उन्होंने एक ऐसी बात कही दैट देखो कि आप अब अपनी सर्विस करने जा रहे हो आपके तीस पैंतीस साल अब आईपीएस के प्रोफेशन में जाएंगे तो आपका कर्तव्य है लोगों को सुरक्षा देना लोगों के लिए काम करना और आपका कर्तव्य है कि कानून तो दुनिया में बहुत बनाए जाते हैं देश देश विदेश में कानून बड़े बनाए जाते हैं लेकिन आपका कर्तव्य है कि वो कानूनों को लागू करना इंप्लीमेंट करना इंप्लीमेंटेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट दिन द लेजिस्लेशन ये सब बातें तो बहुत सही हैं और एक उन्होंने बात बोली कि डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी डज नॉट लाइन द बैलेट बॉक्सेज कि भाई लोग पाँच साल में एक बार आके वोट कर लेते हैं डेमोक्रेसी जो है दैट लाइज इन द लॉज मेड बाय द पीपल हु आर इलेक्टेड थ्रू दो बैलेट बॉक्सेस तो हम चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को है ना वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात आ जाती है ताकि वो हमारे पास इतना समय नहीं है तो जिनको हम चुनते हैं वो हमारे लिए उनको पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है क्या नहीं है तो वो पार्लियामेंट में जाके बिल्स बनाए और कैसे क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव किया जा सकता है लोगों में कैसे और सुधार आ सकते हैं तो ये सब बातें तो अच्छी हैं एक बात जो कॉन्ट्रोवर्सी थी वो ये थी वो ये कहते हैं इट इज अ सिविल सोसाइटी दैट कैन बी सबवर्टेड सबोंड एंड डिवाइडेड टू हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन तो वो ये कह रहे हैं अजीत डोबाल जी वो ये सिविल सोसाइटी तो है दैट इज बिकम द न्यू डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर यह बात थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी है और यह बात कहना सही भी नहीं है ठीक है बिकॉज आफ्टरऑल सिविल सोसाइटी का जो स्ट्रेंथ देखिए डेमोक्रेसी का फायदा अगर वहां पर सिविल सोसाइटी नहीं है डेमोक्रेसी में लॉस का कानून का जितने मर्जी कानून हो दुनिया भर के लेकिन उन कानून का कोई फायदा नहीं है अगर वो लोगों के काम ना आ सके और सिविल सोसाइटी होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे हम देख रहे हैं जैसे अभी हम फार्म लॉस की बात करें है ना तो अब ऑपोजिशन में अब पार्लियामेंट में तो कुछ काम हो नहीं रहा पार्लियामेंट में तो हंगामा होता है शोर शराबा होता है कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट होता नहीं है अब काफ़ी हद तक जो फार्म लॉज को रिपील करने का बहुत बड़ा योगदान हमारे फार्मर प्रोटेस्ट का था है ना तो फार्मर प्रोटेस्ट क्या है सिविल सोसाइटी है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हो आवाज़ करप्शन के अगेंस्ट उठाया जाए ठीक है या पोलिटिकल रिफ़ॉर्म्स के अगेंस्ट हो या फार्म, या कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड रिफॉर्म्स के अगेंस्ट हो और वट एवर इट इज तो इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम द सिविल सोसाइटी तो सिविल सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है सिविल no, सोसाइटी की बात करें सिविल राइट्स नाउ टर्म्ड ह्यूमन राइट्स एंड सिविल सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड तो ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है ठीक है नाउ सिविल सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स अब देखिए उनका अपना ओपिनियन हो सकता है उनकी अपनी देखिए अब हर कोई Uh, एक पर्टिकुलर अपने आप को कंफर्म नहीं करना चाहता आज के टाइम पे तो वैसे ही ज़माना बहुत पोलराइज्ड है ठीक है तो यानी कि या तो आप प्रो मोदी हैं या आप एंटी मोदी हैं तो आज के टाइम पे तो दोस्तों के बीच में फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ हो जाती हैं अपने पोलिटिकल व्यूज़ को लेकर बट दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी यू आर फ्री टू हैव एनी व्यूज़ यू वॉन्ट टू ठीक है यू हैव द राइट टू डिस डेमोक्रेसी ठीक है अगर आप अपने विद इन योर लिमिटेशन विद इन योर राइट्स विद इन योर बाउंड्रीज अगर आपको किसी चीज को लेकर डिसग्रीमेंट है सो दैट्स फाइन इट इज नॉट इट इज नॉट वेरी नेसेसरी कि आपने भक्तबाजी करनी ही करनी है सो सिविल सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अपने विचार होते हैं जो ओपिनियनटेड होते हैं तो कोई बुरी बात नहीं ओपिनियनेट होना नॉट अ बैड थिंग एट ऑल सिविल राइट्स एंड सिविल सोसाइटी आर द बैलेंस द फाउंडेशन ऑफ इच लिबरल फिलोसफी स्टैंड तो सिविल सोसाइटी के लोगों को आंदोलन जीवी कहना भी अच्छी बात नहीं है अब फॉर एग्जाम्पल एक बात आपने शायद मिस इंटरप्रेट कर ली थी जो भी पीछे सुदान क्राइसिस का वीडियो था तो उसमें थोड़ा मैंने सर्कैस्टिकली सटारेक्ली बोला था कि आंदोलन जीवी लोग जो वहां पर रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं तो यानी कि इन अ गुड वे इन अ गुड वे सो आंदोलन जीवी होना बुरी बात नहीं है बहुत अच्छी बात है ठीक है यानी कि अगर ठीक है अगर आप अगर आप किसी पॉलिसी को लेकर अग्री नहीं करते हैं सरकार की पॉलिसी को लेकर तो आप अगर आप एक आंदोलन की भावना लेके आना चाहते हैं एक रेवोल्यूशन की भावना लेके आना चाहते हैं पीसफुली

बिकॉज सिविल सोसाइटी द बेट रॉक ऑफ डेमोक्रेसी वॉट इफ़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इन दिम सेल्व आर बैट अब अजीत दोवाल ने कहा कि आप बहुत सही बात बोली उन्होंने अजीत दोवाल ने कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज बहुत जरूरी है रादर दैन फॉर्मेशन ऑफ लॉज़। बहुत अच्छी बात है दट्स अ वेरी गुड थिंग वेरी वैलिड आफ्टर ऑल हमारी ब्यूरोसी फील क्यों होती है बिकॉज यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की बहुत कमजोरी है इंप्लीमेंट नहीं हो पाते इतने सारे कानून होने के बावजूद भी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते पॉलिसीज़ को लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज की ही अगर बात करनी है तो वहाँ पे युवापा भी आ जाता है वहाँ पे एन भी आ जाता है वहाँ पर सिडिशन भी आ जाता है कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और बहुत सारे जो वरिष्ठ लोग हैं जो एमिनेंट जोरिस्ट हैं बहुत सारे जो एक्टिव पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने कितनी बार कहा है कि देखिए ये सब जो कानून है सिटेशन की बात करिए तो अंग्रेजों के टाइम का कानून है तो इंप्लीमेंटेशन तो कानून की होनी चाहिए बट ऐसे मिस इंप्लीमेंटेशन इस तरह के कानूनों की वो भी सही बात नहीं है युवापा हो हो NSA हो एक्ट ठीक है so सो ये सब जरूरी नहीं है कि हमको इंप्लीमेंट ऐसे ड्रकोनियन वे में करना है ताकि हम इसको इंप्लीमेंट करके उन लोगों की आवाज को दबा सकें जो लोगों की जो पोलिटिकल व्यूज हैं जो अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं दे आर अगेंस्ट दी स्टैब्लिशमेंट तो उनको अगर हम एंटी नेशनल कह दें टेररिस्ट कह दें टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कह दें तो वो सब सही नहीं है एंड इंडिया रैंक्स वन आउट ऑफ वन एटीन द ग्लोबल लॉ इंडेक्स ड्यू टू द ड्रकोनियन एंड कलोनियन एग्जिस्ट चलिए अगला आर्टिकल स्मॉल ग्रांट बट बिग अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल बॉडीज ये आर्टिकल हिंदू में आया था कल सो वट इज बजट सो ग्रांट

राइट नो दिस इज गेम चेंजिंग ठीक है वो क्यों गेम चेंजिंग है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे दिस एलोकेशन हैज बीन मेड एज अ पार्ट ऑफ द हेल्थ ग्रांट ऑफ रुपीज से फिजिकल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू फिजिकल ईर टू था सिक्स कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते और हेल्थ को लेकर अगर हम कोरोना वायरस पैंडेमिक की बात करें तो वी अ असिव हेल्थ क्राइसिस वी अ क्राइसिस जहां पर लोगों के पास हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी हॉस्पिटल की ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे तो हेल्थ को लेकर आज के टाइम पे सारी सरकारें दुनिया भर में अपना जो बजट है वो बढ़ा रही हैं बिकॉज वी आर लिविंग वी आर कंसिस्टेंटली लिविंग इन अ थ्रेट ऑफ स्टिल लिविंग इन द थ्रेट ऑफ अ पैंडमिक बिकॉज नाउ दिस दिस न्यू ओमिक्रॉन थिंग विच ओमिक्रॉन वेरियंट अभी आ गया सो द मैटर ऑफ द फैक्ट इज के हेल्थ एक्सेसिबिलिटी चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हैं चाहे रूरल लोकल बॉडीज हैं एक्सेसिबिलिटी होना बहुत जरूरी है बिकॉज वी वुडेंट वॉन्ट कि अगर इतना यंग हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंट है यहाँ पे अगर एवरेज अगर मीडियम एज ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन ईयर ओल्ड है तो वी वुडेंट वांट यंग पीपल डाइंग बिकॉज उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है इतना हम फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की बातें करते हैं टेन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की बातें करते हैं तो वी वुडेंट वॉन्ट की इतनी बड़ी इकॉनमी लाइक इंडिया शुड हैव पीपल हु आर डाइंग ऑन द रोज बिकॉज ऑफ पुअर एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ ठीक है

Uh, जो अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं बहुत पूरे हैं इस करके अर्बन uh, एरियाज़ का जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो बजट है वो बढ़ा दिया गया है बाई फाइव फोल्ड और रूरल एलोकेशन इज़ वन एंड हाफ फोल्ड दैट ऑफ द टोटल हेल्थ स्पेंडिंग बाय द रूरल लोकल बॉडीज़ इन इंडिया नाउ वॉट इज द वे फॉर्व तो इसमें कुछ बातें यहाँ पे आई हैं ये एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सो यू शूड नोट दम डाउन नाउ नंबर वन दिस ग्रांट शुड भी यूज एंड ऑपरचुनिटी टू सेंसिटाइज द की स्टेक होल्डर्स इन द लोकल बॉडीज और उनकी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या उनकी क्या जिम्मेवारी है अगर हम लोकल बॉडीज uh, की बात करें अगर हम पंचायत लेवल से शुरू करें uh, सरपंच लेवल से शुरू करें उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है एज फार एज द डिलीवरी ऑफ प्राइमरी केयर एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज टू देर पीपल आर कंसर्न नंबर टू अवेयरनेस ऑफ द सिटीजनस अबाउट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज ठीक है तो सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो मोर अवेयरनेस के साथ मोर सेंसिटाइजेशन के साथ लोगों को और बेटर एक्सेसिबिलिटी मिलेगी हेल्थ केयर सर्विसेज की नंबर थ्री सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन दे ऑल्सो नीड टू प्ले वेरी ग्रेटर रोल इन टर्म्स ऑफ सेंसिटाइजिंग पीपल मोबिलाइजिंग मोर ओपिनियन इन्फॉर्मिंग मोर पीपल अबाउट द वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज विच आर एक्सेसिबल टू दम एंड वाई इज़ इट वेरी सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए अभी एन एफ एच एस का जो भी जो हमारी फाइंडिंग्स हाँ आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसमें एक ये बात भी सामने आई है दैट औरतों ने अब जो अपने बच्चों को जन्म देना इंस्टीट्यूशनल तरीके से ज्यादा अब शुरू कर दिया यानी कि जो औरतें हैं वो हॉस्पिटल्स में जाके डिस्पेंसरी में जाके अपने बच्चों को डिलीवरीज होती हैं ठीक है ठीके? तो अब ऐसी अवेयरनेस जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक तो वो नहीं जाएंगे हॉस्पिटल में तो लोगों को अवेयरनेस देना भी बहुत जरूरी है राइट बिकॉज हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ एमेंडमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली गांधी एंड डीपीएसपी में भी आता है तो हमको यह ग्रास रूट डेमोक्रेसी का फायदा उठाना चाहिए राइट फ्रॉम द रूल लोकल बॉडीज अर्बन लोकल बॉडीज इस तरह की जो कैंपेंस है इस तरह की जो अवेयरनेस कैंपेन्स

25-30 किलोमीटर की दूरी पे होता है अब अगर इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक्स अगर हम रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी अगर इतना देखिए पैसा तो जितना भी आए कम लगता है बिकॉज हेल्थ एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जहां पे जितना पैसा लगा उतना कम है ठीक है बट जो भी पैसा आ रहा है अगर ईमानदारी से वो पैसा भी सही तरीके से लगाया जाए तो ये पैसा सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है तो अगर इस पैसे को हम यूटिलाइज करें सही तरीके से मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी और बेहतर होगी टूवर्ड्स चलिए अगला आर्टिकल कंट्रोलिंग द क्रिप्टोजीनी ना अब क्रिप्टोनॉमिक्स इकनॉमिक्स क्रिप्टो करेंसीज को लेके बहुत सारी बातें पीछे भी न्यूज़ में चल रही हैं अभी अभी विंटर सेशन जो पार्लियामेंट में तो क्रिप्टो करेंसीज को लेके एक बिल भी आने वाला है है ना तो इसको लेके हमने एक आर्टिकल डे बिफोर य भी डिस्कस किया था ना वट आर द कंसर्नस रिगार्डिंग क्रिप्टो तो देखिए पहली बात तो ये है कि ठीक है ये नई चीज़ है बट इसको बैन नहीं करना चाहिए द बेटर सजेशन वुड बी टू रेगुलेट लेट्स नॉट फॉलो द चाइनीज पाथ के हर चीज़ बैन कर दो हर चीज़ पे ताला लगा दो वी डोंट वांट के हम चाइना का वो पाथ फॉलो करें ठीक है तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नोरियल रुबिनी ही सेज ही कंसिडर्स बिटकॉइन एज अ अ सेट दैट इज पम्प्ड बाय मैसिव मैनिपुलेशन ठीक है अब क्रिप्टो करेंसीज की बात करें बड़ी फनी बात है एक क्रिप्टो करेंसी का नाम ओमिक्रॉन uh, करके भी है ठीक है सो ओमिक्रॉन इज ऑल्सो नेम ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी ना अब ओमिक्रॉन जो क्रिप्टो करेंसी है वो तो नवंबर अर्ली नवंबर की बात है उसको लेके लोगों ने ट्रेडिंग करना शुरू किया था इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था अब आज ओमिक्रॉन का वेरियंट आ गया है तो उसकी जो प्राइस है वो और बढ़ गई है ना दिस इज ऑल मैनिपुलेशन दिस इज ऑल यू नो दीज आर वेरी फनी थिंग्स विच आर हेपनिंग अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें ठीक है सो so, इस करके क्रिप्टो करेंसीज जैसी भी हैं अनोनिमस हैं, हमको नहीं पता कि उसका सोर्स क्या है डेस्टिनेशन क्या है प्र, प्रधानमंत्री ने अभी जो पीछे सिडनी डायलॉग हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता जताई थी दट देखो अगर ये क्रिप्टोकरेंसी बहुत लोगों को नहीं पता क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर क्रिप्टो करेंसी जवानों के हाथ में नौजवानों के हाथ में अगर आ जाएगा तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है इसका मिस भी हो सकता है एंड जो स्मगलर्स uh, हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं तो वो इसको यूज़ करके अपनी मनी लॉन्ड्रिंग भी कर सकते हैं और वो वन जो पैसा है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी जा सकता है तो ये बात प्रधानमंत्री ने सिडनी डायलॉग में बहुत कैटेगोरिकली ली गई थी दैट द नीड ऑफ द आर एस जो हम जो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं वो कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें जहाँ पे हम इसको रेगुलेट कर सकें क्रिप्टो करेंसी को अगर हमने बैन नहीं करना ठीक है अब क्रिप्टो सेट्स की बात करें क्रिप्टो करेंसीज की बात करें नाउ दे आर बींग इम्प्रेसड बाई मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड ठीक है और दिस हैज़ बिन ऑब्बियसली अ कंसर्न फॉर मेनी कंट्रीज ठीक है नाउ द ट्रांजेक्शन प्रोसेस यूजिंग क्रिप्टो करेंसी इज सो सिक्योर दैट ओनली अ मनी ट्रांसफर कैन बी सीन एंड नथिंग सो दैट इज अनोन पैसा भेजा किसने है और पैसा रिसीव किसने किया है तो मतलब पैसा भेजने का तरीका सिक्योर जरूर है लेकिन आपने क्या किसने सेंड किया रिसीव किया वो बिल्कुल अनोनिमस है तो इसी करके यहां पे चिंता आती है मनी लॉन्ड्रिंग की ठीक है सो दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड अट्स

Uh, the cryptocurrencies, but China has introduced its own centrally regulated uh, digital currency called the digital uh, called the digital. रेन मिनबाई रेन मिनबी सो ऑब्वियसली ये सजेशन इंडिया को भी आया है इंडिया 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 ऑल्सो एज दिस ऑप्शन की आरबीआई को ऐसा सेंट्रल डिजिटल करेंसी निकाले ठीक है एटलीस्ट उसका कंट्रोल तो होगा आरबीआई आर बी आई वुड बी एबल टू कंट्रोल दैट एल सेल्वाडोर की बात करें एल सेल्वाडोर इज द फर्स्ट कंट्री जिसने बिटकॉइन को बिल्कुल लीगल टेंडर माना है और एल सेल्वाडोर इज ऑल्सो प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी अब इसको लेकर आई एम एफ ने थोड़ा कंसर्न दिखाया है आई एम एफ का कहना है दैट आई एम एफ ने अर्ज किया एल सेल्वाडोर को दैट देखो हम आपको बैन करने को तो नहीं कह रहे हैं लेकिन अगर आपने बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान ही लिया है तो उसका जो रेगुलेशन प्रोसेस है जो सुपरविजन प्रोसेस है उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करिए ठीक है और कोई बहुत अमीर देश तो नहीं है ठीक है मेनी कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन आर ऑल्सो ट्राइंग टू रेगुलेट टू समस्टेंड एंड ऑल्सो दे ट्राइंग टू टैक्स द बिटकॉइन गेन्स इन तो कैपिटल गेन जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में एक बॉडी है जो रेगुलेटरी बॉडी है तो जो 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 आपके आपके कैपिटल 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 गेन होते हैं हैं वो वो भी 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 फिर सरकार उसको आपको आपको टैक्स देना पड़ता है आपने स्टॉक मार्केट में से गेन्स gain, बने हैं, तो वो सब एक रेगुलेशन तरीके से चल रहा है सारा का सारा उसी तरह से अगर यहां पर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो एक ऐसी एजेंसी हो जो रेगुलेट कर सके तो डेफिनेटली ऐसी कोई एजेंसी आने वाले टाइम में हम देखने को देख सकते हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करेगा तो क्रिप्टो करेंसी को बैन करना सही नहीं है रेगुलेट कीजिए बहुत सारी कंट्रीज

सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कर्व ये जो बैन लगाया था क्रिप्टो करेंसी ट्रेड पे वो रिवोक कर दिया और ये जो बैन किसने लगा था आरबीआई ने लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को रिवोक कर दिया तो इसके बाद 2020 के बाद खास करके पैंडमिक पीरियड की बात करें तो स्टॉक मार्केट में तो बूम देख ही रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी बूम आए क्रिप्टो करेंसी की मार्केट्स की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी, भी बहुत सारा पैसा आना शुरू हो गया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन सरकार ने और आरबीआई ने लगाया था उसको रिवोक कर दिया अब बात करें क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल की तो ये अभी विंटर सेशन पार्लियामेंट का जो चल रहा है इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा इट सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया बट अलाउ फॉर सर्टन एक्सेप्शन तो ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई में भी अपनी डिजिटल करेंसी शुरू कर सकती है तो फिर इस तरह के एक्सेप्शन को वहां पर रखा जाएगा बट अदरवाइज जो बाकी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उसको सब बैन कर दिया जाएगा सो इट ऑल्सो एम्स टू क्रिएट अ फेसिलिटेट इट ऑल्सो एम्स टू क्रिएट अ फिस फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑफिल डिजिटल करंसी टू भी इशुड बाई द आर बी आई ठीक है तो एक रेगुलेटेड मार्केट एक अच्छी बात है रेगुलेटेड मार्केट विल बी एबल टू कीप द इीगल एक्टिविटीज अंडर कंट्रोल टू टू सम एक्सटेंड सो एट द रिसेंटली कंक्लूडेड सिडनी डायलॉग द प्राइम मिनिस्टर हैड अर्स्ट ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस यही बात जो मैंने भी शुरुआत में भी कही थी दैट देखिए ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं गलत लोगों के हाथ में ना लगे अगर नौजवान आज के टाइम पे जो बच्चे हैं नौजवान हैं मिलेनियल किड्स हैं तो वो बहुत ज्यादा इस पर ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइंस में ठीक है बड़े बड़े फनी फनी नाम भी हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के है ना तो अब ये किसी गलत लोगों के हाथ में ना आए और गलत लोगों के हाथ में आके बच्चे गुमराह हो सकते हैं नौजवान गुमराह हो सकते हैं और अगर ऐसे बच्चों को यूज़ किया जा रहा है फॉर ट्रेडिंग इन दिस सीजन बाद में वो पैसा किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है तो ये सब चिंता का विषय तो प्रधानमंत्री ने ये सब बातें सिटी डायलॉग में भी कही थी चलिए अगला आर्टिकल अनदर वेरिएंट टू ग्रोथ तो अभी देखिए दोस्तों दो बातें हुई हैं पिछले कुछ तीन चार दिनों में एक तो ये जो नया वेरिएंट आया वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेर्यर बाय द डब्ल्यूएचओ ओमिक्रॉन और दूसरी बात हुई है कि जो हमारे जो अभी जीडीपी डेटा है सेकंड क्वार्टर का तो वो थोड़ा इंकरेजिंग आया है सो एट ग्रोथ हमने देखने को मिली है हमको जो जो सेकंड क्वार्टर था जो अगर हम अगर हम जी ग्रोथ की बात करें तो एट हमने ग्रोथ देखी है द सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस फिजिकल सो दिस इज गुड

इन द मिडल ऑफ दिस अनाउंसमेंट ऑफ दिस न्यू वेरियंट कॉल्ड ओमिक्रॉन वेल वैसे अब भी घबराने की बात नहीं है बिकॉज अगर बिकॉज देखिए अभी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे वैक्सीनेट हो चुके हैं ठीक है अभी पीछे हमने पढ़ा था अभी पीछे ये न्यूज़ में भी आया था आर्टिकल भी आया था कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सिंगल शॉट वैक्सीन मिल चुका है सेरो सर्विस हुए हैं सेरो सर्विस के हिसाब से भी बहुत सारी हमारी जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है कोरोना वायरस से तो अब इतना डर नहीं है बट चलो फिर भी हमको अपने कोविड अप्रोप्रियट बिहेवियर मेंटेन करके तो रखना ही है बट अगर ऐसा थर्ड वेव आता भी है अगर कुछ ऐसा कुछ होता भी है तो इतना इंपैक्ट हमको नहीं होगा जितना फर्स्ट या सेकंड वेव में हुआ था सो विच इज गुड बड़ी अच्छी बात इस डेटा में से है एग्रीकल्चर फिफ्टीन परसेंट ऑफ जीडीपी ग्रू बाय सो एग्रीकल्चर हैज ग्रोइंग कंसिस्टेंटली सिंस द कोरोना वायरस हैज हडकट तो बेशक लॉकडाउन लगा दो साल हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी वीक थी बट एग्रीकल्चर ने फिर भी अपना ग्रोथ दिखाया है

थोड़ा फेस करना पड़ा पेट्रोल डीजल के दाम महंगे थे है ना महंगाई तो बढ़ गई थी लेकिन बहुत सारे हाई टैक्सेस जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाए गए हैं जीएसटी कलेक्शंस के थ्रू सरकार ने काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है ठीक है अब बात ये अच्छा एक और बात भी आती है कि चलो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है विच इज़ वेरी गुड बट सरकार का जो खर्चा है अगर साठ इकट्ठे किए हैं तो खर्च सिर्फ फोर्टी सेवन रुपीज़ हैं ठीक है तो खर्चा सरकार को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हां अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें खर्चा कंजम्पन के लिए सरकार को बढ़ाना पड़ेगा लेकिन अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें हम ग्रॉस्ट फिक्स की बात करें उसमें डेफिनेटली हमने एक इंप्रूवमेंट देखा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि असेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर है ना वो सब अच्छी चीजें होती है जो आप खर्चा कर रहे हैं असेट क्रिएट करने के लिए तो वो बहुत अच्छी बात है लेकिन देखिए जीडीपी की जो ग्रोथ है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंजम्पशन अब अगर लोगों की जेब में पैसे होंगे तो लोग बाहर जाके मार्केट में जाके एसी लेंगे हीटर लेंगे गाड़ी लेंगे है ना और और फोन लेंगे स्मार्टफोन्स लेंगे लैपटॉप्स लेंगे तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं तो कंजम्पशन विल इंक्रीज विल बूस्ट दी जीडीपी तो कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन कंजम्पशन जो है चाहे प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन की बात करें चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन की बात करें वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है ठीक है नाउ पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर बोथ विल बूस्ट द इकोनॉमी ना government has been फोकसिंग ऑन रिवाइविंग दी इन्वेस्टमेंट साइकिल देखिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स अनाउंस करी गई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम एक अनाउंस uh, करी थी सरकार ने अच्छा उसके बाद आपका नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन है वो भी सरकार ने अनाउंस किया था उसके बाद आपका जो पी एम गतिशक्ति योजना है ये सब क्या है ये सब इवेस्टमेंट बढ़ाने के तरीके हैं ये सब एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के तरीके हैं सो ऑल दिस इज गुड दिस विल लीड टू वट दिस विल लीड टू बिल्डिंग मोर रोड्स हाईवेज़ मोर कनेक्टिविटी मोर एयरपोर्ट्स मोर सी पोर्ट्स ठीक है आ, उसके बाद अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर हैज ऑलरेडी ऑब्वियसली हम ये भी बात डिस्कस डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉक मार्केट में हमने बहुत बड़ा बूम देखा प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास पैसा लॉकडाउन के टाइम पर भी काफी आ रहा था देवर ऑब्वियसली उनके जो असेट्स हैं बहुत ओवर वैल्यूड है तो चलो यह सब होने के बावजूद भी लार्ज कॉर्पोरेट्स जो हैं जो ब्लू चिप कंपनीज की बात करें दे आर इन्वेस्टिंग मोर मनी इन्वेस्टिंग मोर इन दर कपैसिटी इंक्रीजिंग देर यूटिलाइजेशन एज फार स्टील एंड सीमेंट इज कंसर्न क्राइसिल एस्टिमेट्स दैट दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम

ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है सो हमको उसको जी सी भी कहते हैं लेकिन साथ साथ कंजम्पन का इंक्रीज करना भी बहुत जरूरी है तो कंजम्पन यानी कि लोगों की जेब में पैसा होना जरूरी है तभी जाके वो कंज्यूम कर पाएंगे ठीक है तो डिमांड फॉर हाई टेकेट आइटम्स की अगर हम बात करें जैसे अगर हम एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स की बात करें ब्रांडेड uh, स्मार्टफोन्स uh, की बात करें और इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स की बात करें ना दैट एंड इट माइट हैपन दैट अभी हम प्री पैंडमिक लेवल्स की जितना हमारी स्पीड आ चुकी है प्री पैंडमिक जितने लेवल्स हम अटेन कर चुके हैं एज फार एज कंजम्पशन ऑफ दिस लग्जरी आइटम्स आर कंसर्न बिट माइट हैपन दट वी माइट ऑल्सो एक्सीड द कंजम्पन बियॉन्ड द प्री पैंडमिकलेवल मे बी द टाइम्स टू कम ठीक है सो द कंजम्प्शन पैटर्न ब्रॉडली मिर्ज द वाइडनिंग इनकम इन इक्वालिटी तो एक तरफ तो लोग हैं जो अभी गाड़ियां लेंगे ए सी लेंगे चलो अभी तो सर्दियां आ गई बट चलो जो भी अपना खर्चा घर अपना जो भी अपने फैमिली के लिए एक्सपेंडिचर होते हैं जो भी उनको चाहिए होते हैं वो चीज़ें खरीदेंगे पर एक तरफ फिर गरीब लोग भी हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है काफी सारे लोग बेरोजगार भी हो गए थे माइग्रेंट क्राइसिस की बात करें चलो अभी तो सरकार अपना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चलते लोगों को फ्री में अनाज बांट रहा है चलो और तीन चार महीने और बांट देगा लेकिन उसके बाद उसके बाद उनको कैसे खाना मिलेगा क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है अभी है ना तो सरकार को यहाँ पे एक और बात आती है सरकार को मनरेगा में भी अपनी एलोकेशन हो सरकार बढ़ा सकती है मनरेगा का बजट सरकार और बढ़ा सकती है कि चलो अभी और छः सात महीने ताकि जो अभी बेरोजगार है एटलीस्ट उनको मनरेगा की नौकरी मिल सकती है तो इन्हें क्वालिटी तो बढ़ रही है ठीक है बट साथ के साथ हमारा जो कंजम्शन लेवल है वो भी इंक्रीज करने की ऐसी उम्मीद है आने वाले टाइम में लेबर इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर्स पिकअप जैसे ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पिकअप करेंगे यानी कि जहां पे ज्यादा लोग इंप्लॉयड हैं जहां पे ज्यादा लोग जॉब करते हैं नौकरी करते हैं जैसे टूरिज्म की बात करें होटल इंडस्ट्री की बात करें चलो अब वो भी एक एक्टिविटी पिकअप हो रही है ठीक है तो लोग गोवा जा रहे हैं लोग हिमाचल जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं तो उसे टूरिज्म को भी बूस्ट मिल रहा है भगवान ना करे अगर कोई फिर से कोई थर्ड वेव आ जाता है फिर से फ्लाइट्स पर बैन लग जाता तो the tourism, the tourism industry, 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 a, है तो फिर अगेन द टूरिज्म द टूरिज्म इंडस्ट्री द होटल इंडस्ट्री द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री बिकॉज दिस इज दीज आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स यहां पर बहुत सारे लोग इंप्लायड होते हैं तो जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पिकअप करेंगे वैसे ही अर्बन इनकम विल ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग ठीक है चलिए सो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलेंगे हम ट्यूसडे को और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच जय हिंद